तो गाइस आज हम इमोजी से इंडियन स्वीट्स के नाम गेस करेंगे और देखते हैं किसको ए ग्रेड, किसको बी ग्रेड और किसको सी ग्रेड मिलता है। तुम लोग अपना ग्रेड फटाफट से कमेंट में बताना। अभी हम लोग ये पहला वाला इमोजी देखते हैं, तो फटाफट से तुम लोग बताओ कि ये कौन से स्वीट का नाम है। आई गेस तुम लोग ये बता दोगे, मैं जानता हूँ ये तो खाया ही है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसमें हिंदी वर्ड्स भी यूज हुए, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, तो वैसे भी सोचना। लेट्स गो। देखो पहला वाला जूस है जिसको हिंदी में रस कहते हैं, सेकंड वाला एक सर्कल है जिसको हिंदी में गोल कहते हैं, तो अगर तुम प्रोनाउंस करोगे तो बन गया रस गोल ए, तो मिला देने पे बन गया रसगुल्ला। भाई खाया है ना रसगुल्ला यार, मत बोल देना कि नहीं खाया, मैं मान ही नहीं सकता। हाँ तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, पहला वाला तो लाइक तो बनता है। चलो अभी ये सेकंड वाला इमोजी से तुम लोग इंडियन स्वीट का नाम बताओ मेरे को। ये भी काफी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो इसमें तो हिंट की भी आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे जल्दी से दिमाग लगा के लिखो। आई गेस ये भी तुम लोगों ने बताया होगा मेरे पिछले वाले हिंट से ही। देखो फर्स्ट वाला ईयर है जिसको हिंदी में कान कहते हैं, ये है जू जो हमारे सर में लगता है यू नो खुजली आती है, ये काट रहा है तो कट, और ये एलआई तो ली, तो मिला देने पे बन गया काजू कतली। सही है ना, मैंने अपने माइनक्राफ्ट वाले वीडियो में काजू कतली का एक बड़ा सा बिल्डिंग में बनाया था। तुम लोगों ने वो वाला वीडियो देखा था कि नहीं देखा था यार? तुम लोग माइनक्राफ्ट वीडियोस पसंद करते हो कि नहीं, मेरा सेकंड चैनल देखो, वहां पे और भी मजेदार वीडियोस है, तो जाके जरूर से देखना। चलो अभी हम लोग ये थर्ड वाला इमोजी से इंडियन स्वीट का नाम गेस करेंगे। ये भी आई थिंक इजी ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, इसमें भी हिंदी वर्ड्स यूज हुआ है, तो बता दो तुम लोग जल्दी से। देखो ये दोनों चमक रहे हैं, यू नो शाइनिंग, तो इसको हिंदी में कहते हैं चम, तो बना चम चम, तो हो गया ये चम चम। यार मिठाई का नाम भी चम चम है, कभी खाया है कि नहीं? बहुत टेस्टी होता है यार, बहुत टेस्टी। तुम लोगों की कौन सी स्वीट सबसे फेवरेट है मुझे कमेंट में बताना। तब तक हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं, ये भी इजी है। ये तो भाई अगर नहीं खाया तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि तुमने नहीं खाया, तो मैं क्या बोलूं। अच्छे से दिमाग लगाओ और जल्दी से कमेंट कर दो। ये देखो फर्स्ट वाला है वाटर ड्रॉप, ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं बूंद, और ये है आई, तो मिला देने पे बन गया बूंदी। कुछ लोग इसे बूंदिया भी कहते हैं, कुछ लोग बूंदी कहते हैं। खाया है कि नहीं? क्या बात है, तुम लोग का काफी दिमाग चल रहा है। तो चलो नेक्स्ट इमोजी पहली से पहले मेरे को एक इस रिडल का आंसर बता दो तो मैं मान जाऊंगा। एक मिस्टीरियस आइलैंड यानी कि एक रहस्यमय टापू पे एक आदमी एक शिप एक वुल्फ और एक कैबेज का बैग लेके खड़ा था, और उन्हें ये नदी पार करनी थी। बट प्रॉब्लम ये है कि इस आदमी के साथ एक बार में कोई एक ही चीज जा सकती है, और कोई भी एक साइड में अगर आदमी शिप के साथ में कैबेज को छोड़ दे तो शिप कैबेज को खा जाएगी, और अगर एक साइड में शिप के साथ वुल्फ को छोड़ दे तो वुल्फ शिप को खा जाएगी, लेकिन अगर वुल्फ को कैबेज के साथ रखेंगे तो वुल्फ कैबेज नहीं खाएगी। तो भाई अब इस सिचुएशन को देखते हुए क्या तुम इन सभी को नदी पार करा सकते हो बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचे? ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, इसलिए मैंने बीच में पूछी है। अगर तुम लोगों ने आंसर बता दिया तो मजा आ जाएगा, तो रिलैक्स होके सोचो और मुझे जल्दी से नीचे कमेंट में बता दो। ये हल्की सी टफ लगी होगी, बट इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग शिप को बोट में बिठाएंगे और उसे दूसरी तरफ ले जाके रख देंगे। अब एक तरफ वुल्फ और कैबेज है, तो वुल्फ तो कैबेज खाएगी नहीं, तो वह आदमी आराम से उधर आ जाएगा। फिर हम किसी को भी अपने साथ ले लेंगे, चलो हम कैबेज को अपने साथ ले लेते हैं, और फिर उसे नदी के इस तरफ ले आएंगे, फिर उसे कैबेज को रख के शिप को वापस बिठा लेंगे और वापस जाएंगे।
अब हम शिप को रखेंगे, फिर वुल्फ को बिठाएंगे और वापस जाएंगे और वुल्फ को वहां रख देंगे, और फिर आदमी वापस शिप को लेने जाएगा, शिप को बिठाएगा और वो वापस इधर आ जाएगा और सब के सब ने नदी पार कर ली और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो भाई इस मिस्टीरियस आइलैंड की रिडल तुम लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। भाई तुम्हें इस रहस्यमय आइलैंड की पूरी एक कहानी चाहिए ना, तो वो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें कुकू एफएम पे जाके जरूर से सुनना चाहिए। बहुत मस्त कहानी है, मुझे काफी पसंद आई। अगर तुम्हें कुकू एफएम के बारे में नहीं पता ना, तो कुकू एफएम एक बहुत बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारी बुक समरीज बल्कि बायोग्राफीज भी सुन सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज लिस्टेड है जो कि मैं तो डेली सुनता ही रहता हूँ, और एक स्टोरी सुनना अस कम्पेयर टू पढ़ने के बहुत ज्यादा इजी लगता है। हम लोग अलग अलग काम करते हुए बुक्स और स्टोरी सुन सकते हैं। और तो और कुकू एफएम पे एक बहुत जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है, आपको 50% ऑफ मिल सकता है, लेकिन पहले सिर्फ 250 सब्सक्राइबर्स को। पहले 250 सब्सक्राइबर्स जो मेरा कूपन कोड यूज करेंगे या डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करेंगे, उन्हें स्पेशल ऑफर मिल जाएगा। भाई इससे अच्छा ऑफर कभी नहीं मिल सकता है, वो भी कुकू एफएम का। तो आई थिंक तुम लोगों को डाउनलोड कर लेनी चाहिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दी है। अभी हम लोग ये वाला इंडियन स्वीट का नाम गेस करते हैं इमोजी से। ये भी बहुत इजी है यार, ये तो सबसे ज्यादा इजी। अगर किसी ने कमेंट नहीं किया ना, तो भाई मैं क्या बोलूं, ये तो तुम लोग ऐसे ही गेस लगा के कर दोगे। देखो फर्स्ट वाला है मिल्क, ये वाला है केक, तो मिला देने पे बन गया मिल्क केक। ये वाली मिठाई, अगर तुम लोग इसका नाम नहीं जानते हो तो तुम लोगों ने देखा तो जरूर है ये मिल्क केक को, बहुत टेस्टी होती है ये। पता नहीं क्यों मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसलिए ज्यादा पानी आए उसके पहले हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वाला इमोजी से स्वीट का नाम गेस कर लेते हैं। तो अभी जल्दी से ये वाला बता दो, ये भी बहुत ईजी है, तो जल्दी कमेंट करो। एक ट्री है जिसको हिंदी में बोलेंगे पेड़, और ये ए तो मिला देने पे बन गया पेड़ा। भाई पेड़ा है यार, पेड़ा क्यों, सही है ना। चलो अभी तो हम लोग नेक्स्ट वाला इमोजी गेस करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी हिंदी वर्ड का यूज हुआ इसलिए तुम लोग बता दोगे, तो जल्दी से गेस करो। ये आइस, जिसे हिंदी में बर्फ कहते हैं, ये आई तो मिला देने पे बन गया बर्फी। देखो बहुत लोग काजू कतली को भी बर्फी बोलते हैं, लेकिन बर्फी ये भी होता है, इसलिए दोनों अलग भी है, काफी लोग इसे भी बर्फी कहते हैं। क्या ये तुम लोगों ने गेस कर लिया था, वेरी गुड। अभी ये बहुत ही सिंपल वाला तुम लोग मुझे बता दो कमेंट में, ये भी, ये तो भाई हर घर में बनता है ये मिठाई, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। ये हल और ये डब्ल्यू ए तो मिला देने पे बन गया हलवा। भाई हलवा, हलवा नहीं बताया क्या तुम लोगों ने, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, किस चीज का हलवा नहीं बनता है यार, आई होप बताया हो। अभी चलो फिर ये वाला भी बता दो, ये भी मुझे पता है तुम लोग बता सकते हो, मेरी तो फेवरेट है ये, इस वजह से तुम लोगों को ये जल्दी से कमेंट में बतानी है। ये है की और ये आर तो मिला देने पे क्या बन गया, खीर, सही है ना। क्या ये भी बता दिया था यार, तुम लोग लगता है पूरा ए ग्रेड ही मारोगे आज तो, हैं ठीक है भाई। तो चलो अभी ये वाला बता दो, अगर तुम लोगों ने ये ही नहीं बताया तो भाई क्या ही बताया, तो जल्दी से बताओ। भाई ये है गुलाब और ये जामुन तो मिला देने भी क्या बना, गुलाब जामुन, सबसे इजी मिठाई। सही है ना। चलो फिर अभी ये नेक्स्ट वाला बताओ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा लेकिन अगर तुम लोग इसे अच्छे से बोलते जाओगे ना, तो तुम लोगों को वर्ड मिल जाएगा जो मिठाई का नाम है, इसलिए अच्छे से सोचो और फटाफट से मुझे नीचे कमेंट में बता दो।
देखो ये है लॉ और ये टू, तो अगर प्रोनाउंस करेंगे लॉ टू लॉ टू तो बन जाएगा लड्डू। हाँ थोड़ा सा टफ था ये मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा तो कोशिश करो यार, हर चीज इतनी इजी नहीं होती लाइफ में। तो ये लड्डू है। चलो फिर अभी ये वाले मिठाई का नाम बता दो, ये तो तुम लोगों ने बहुत सुना है, मैं हिंट दे दूंगा ना तो तुम लोग फटाक से बता दोगे, इसलिए मैं बिना हिंट दिए तुम लोगों को गेस कराना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे नीचे कमेंट में बता दो। देखो ये है जेल, ये ए और ये बी, तो मिला देने पे क्या बन गया, हमारी चेठालाल का फेवरेट मिठाई जलेबी। क्यों यार जलेबी फाफड़ा नहीं देखा है भाई? तारक मेहता पे हम लोगों ने गेम भी खेला था अपने सेकंड चैनल पे, तुम लोगों ने वो वीडियो देखी थी, ये कितना फनी वीडियो था। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और इन मजेदार वीडियोस को भी देखो, तो अभी इस पे क्लिक करके वीडियो देखो, आपको बहुत मजा आएगा। क्लिक हियर।